बिस्मिल्लाह रहीम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द इश्यू ऑफ क्रेडिबल नॉमिनल एंकर यानी कि अगर नॉमिनल एंकर हो और उसकी क्रेडिबिलिटी भी हो आवाम के नजदीक बिजनेसिस के नजदीक डिसीजन मेकर जो हैं जो इकोनॉमिक एजेंट हैं उनके नजदीक तो उसके बड़े बेनिफिट होते हैं अब हम क्रेडिबिलिटी को डायग्राम के जरिए प्रॉपर उसके बेनिफिट देखते हैं क्योंकि इकोनॉमी को जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या डिमांड साइड से या सप्लाई साइड से तो हम दोनों को बारी बारी देखते हैं कि अगर डिमांड या सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं तो क्रेडिबिलिटी का क्या फायदा हो सकता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव डिमांड शॉक आ जाए तो क्रेडिबिलिटी की सूरत में क्या आउटकम्स होंगे और क्रेडिबिलिटी ना हो मॉनिटरी पॉलिसी की तो फिर आउटकम्स क्या होंगे तो पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव डिमांड शॉक होता क्या है देखें बेसिकली तो पॉजिटिव डिमांड शॉक उसको कहते हैं हर ऐसा चेंज इकोनॉमी में जो आपके बेसिक जो डिमांड सप्लाई का मॉडल है उससे आउटसाइड कोई भी ऐसा चेंज आए इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दे तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव डिमांड शॉक है और जो एग्रीगेट डिमांड को कम कर दे हम उसे कहते हैं ये नेगेटिव डिमांड शॉक है अब पॉजिटिव डिमांड शॉक ये हो सकता है कि लोगों की बिजनेसिस की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जब वो चेंज होंगी यानी कि इंक्रीज हो जाएं, तो उसका नतीजा क्या होगा नतीजा ये होगा कि अगर उन्हें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो demand, तो इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड डिमांड ज्यादा होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी और आउटपुट ज्यादा हो जाएगी लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा जाहिर है डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन रेट पहले से हायर साइड पे होगा और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ता है लोग भी सोचते हैं कि हमने तो इन्फ्लेशन के बारे में यह सोचा हुआ था कि यह पांच परसेंट होगा यह तो दस परसेंट हो गया है। तो वह अपनी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा देते हैं कि भाई ये तो इन्फ्लेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है टेन परसेंट हो जाए तो यह सीक्वेंस है इसका अब यह जो एक्सपेक्टेशन है इनका रोल सप्लाई साइड पर चला जाता है अब हम बात डिमांड की कर रहे हैं लेकिन चूंकि एट द एंड हमने एनालिसिस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल में करना है तो ये जो डिमांड साइड से एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई हैं इसका एक इफेक्ट सप्लाई साइड पे जाता है और वो कैसे वो एग्रीगेट सप्लाई की हम इक्वेशन देखते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल पढ़ रहे थे तो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन होती है इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस गैमा विच इज अ कोफिशेंट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट गैप प्लस इन्फ्लेशन शॉक टर्म अब ये अगर सप्लाई की इक्वेशन है या एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन है तो आप यहां पे देखें कि जो पहला वेरिएबल है राइट right साइड पे वो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इसका इनफ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो इस इक्वेशन के मुताबिक इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है और उसका चैनल भी मैं पहले कई लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं होता यह कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड करते हैं अगर फार्म्स हायर वेजेस कर देती हैं इनके वेजेस बढ़ा देती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है फार्म्स का और फर्म्स वो पूरा करने के लिए अपनी गुड्स की प्राइसेस बढ़ा देती हैं तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से प्राइसेस बढ़ गई फाइनली यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया फाइनल अब ये जो एक्सपेक्टेशन होती हैं इसका मतलब है इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो सकता है और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये खुद बेस करती है क्रेडिबिलिटी पे अगर सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो कि जी वो इन्फ्लेशन का टारगेट हर सूरत में अचीव करेगा तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हायर साइड पे नहीं होगी और अगर लोगों के नजदीक सेंट्रल बैंक क्रेडिबल ही नहीं है कि वो इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव कर लेगा तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आजाद होगी सेंट्रल बैंक जो मर्जी अनाउंस करता रहे लोग अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन फॉर्म करेंगे अब हम डायग्राम में चलते हैं ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल है इसमें इनिशियली इकॉनमी पॉइंट वन इक्विलिब्रियम में है जिसमें एग्रीगेट टारगेट है, 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 है इस टारगेट को ही सेंट्रल बैंक अचीव करना चाहता था जिसके ऊपर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त अब जब पॉजिटिव डिमांड शॉक आएगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा एडी टू जिससे अगर सप्लाई जो है वो ए एस वन पे ही रहे तो जो नया इक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन का वो पॉइंट टू पे शिफ्ट होगा जिससे इन्फ्लेशन रेट आई एन एफ टू हो जाएगा अब ये जो इन्फ्लेशन है आई एन एफ टू यह आई एन एफ वन जो कि मॉनिटरी पॉलिसी का टारगेट था उससे ऊपर चला गया है अब इसके बाद क्रेडिबिलिटी का रोल आता है अगर जो है वो लोगों के नजदीक सेंट्रल बैंक की स्टेटमेंट क्रेडिबल है कि हर सूरत इन्फ्लेशन को हम आई एन एफ वन पे रखेंगे तो लोगों की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन हायर साइड पे नहीं जाएंगी और एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट नहीं होगा वो ए एस वन पे ही रहेगा और शॉर्ट रन में इकॉनॉमी पॉइंट टू पर रहेगी और फिर सेंट्रल बैंक जो है वो जब इन्फ्लेशन को वापस लाएगा तो इकॉनॉमी वापस पॉइंट वन पे आ जाएगी लेकिन अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि उनके नजदीक सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को आई एन एफ वन पे रख सकता है तो लोग हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बनाएंगे जिसके नतीजे में एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा ए एस टू हो जाएगा और इकोनॉमी काम पॉइंट थ्री पे चला जाएगा जिसमें इन्फ्लेशन फर्दर इंक्रीज हो गया है। अब इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड शॉक का इफेक्ट तो आई एन एफ वन से आई एन एफ टू तक है लेकिन जो आईएनएफ टू से आई एन एफ थ्री तक इकॉनॉमी गई है और ज्यादा इंफ्लेशन बढ़ा है यह सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी ना होने का नतीजा है बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड का शॉक नेगेटिव हो यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो फिर इस डायग्राम में इकोनॉमी पॉइंट वन से जब पॉइंट टू पे जाएगी तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा अब जब इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, तो सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी के जरिए थोड़ा एक्सपेंशन करेगा अब जब एक्सपेंशन करेगा तो अगर तो लोगों के नजदीक सेंट्रल बैंक की कमिटमेंट क्रेडिबल है कि वो इसलिए एक्सपेंशन कर रहा है कि इकोनॉमी जो है वो वापस अपने इन्फ्लेशन के टारगेट पे चली जाए जो कि आईएनएफ एन वन है तो फिर तो उनकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नहीं चेंज होगा और एग्रीगेट सप्लाई का यही रहेगा और इकोनॉमी प्वाइंट से वापिस पॉइंट पे चली जाएगी लेकिन अगर सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी ना हो तो जैसे ही उसने एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाई तो लोगों की एक्सपेक्टेशन हायर साइड पर चली गई और इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया जिसका नतीजा यह हुआ कि पे चली गई, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है इतनी ही इकोनॉमिक फेवरेबल होती जाती हैं और अगर क्रेडिबिलिटी ना हो तो फिर इकोनॉमिक आउटकम्स फेवरेबल नहीं होती Thank you.